गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर क्रेडिट एंड मनी चैप्टर 3 लोन एक्टिविटी ऑफ बैंकिंग। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन फेस्टिवल सीजन्स एंड स्वप्नास प्रॉब्लम। It is festival season, 2 months from now, and the shoe manufacturer Salim had received an order from a large trader in town for 3,000 pairs of shoes to be delivered in a month time. To complete production on time, Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting work. He has to purchase the raw material to meet these expenses. Salim obtains loans from two sources. First, he asks the leather supplier to supply leather now and promise to pay him later. Second, he obtains loan in cash from the large trader as advance payment for 1,000 pairs of shoes with a promise to deliver the whole order by the end of the month. At the end of the month, Salim is able to deliver the order, make a good profit and repay the money that he had borrowed. Swapna's problem. Swapna is a small farmer, grows groundnut on her 3 acres of land. She takes a loan from the moneylender to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest would help repay the loan. Midway through the season, the crop is hit by pest and the crop fails. The Swapna sprays her crops with expensive pesticide. It makes little difference. She is unable to repay the money lender and the debt grows over the year into a large amount. Next year, Swapna takes a fresh loan for cultivation. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. She is caught in debt. She has to sell a part of the land to pay off the debt. यहाँ मैंने दो केस स्टडी देखा है कि एक फेस्टिवल सीजन है, सलीम जो जूता बनाता है उसको एक ऑर्डर मिलता है बड़े ट्रेडर का कि उसको 3,000 जोड़ी जूते बना करके देना है। फेस्टिवल बस 2 महीने ही बाकी हैं, तो वो करता क्या है कि वो दो तरीके से लोन लेता है, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है जूते को सीने में और उसको चिपकाने के लिए मजदूरों को जो कहां से भुगतान करेगा। तो वो लेदर वाले को कहता है कि आप पहले लेदर सप्लाई करो और जूते बनने के बाद जब मुझे पैसे आएंगे तो मैं आपको पैसे चुका दूंगा। और जो ट्रेडर सप्लाई ट्रेडर जो उसको एग्रीमेंट देता है कि आपको 3,000 जूते बनाने हैं, उससे वो कुछ पैसे उधार लेता है और कहता है कि आप मुझे पैसे दीजिए एडवांस में, मंथ पूरा होते होते मैं 1,000 जूते आपको बना करके दे दूंगा। सलीम अपने प्रॉमिस को पूरा करता है और सलीम जो है समय से पहले ही सारी जूते बना करके दे देता है, वो काफी मुनाफा कमाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्रेडिट से यहाँ सलीम मुनाफे में जाता है, लेकिन स्वप्ना का प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास जो 3 एकड़ जमीन है मूंगफली की खेती जो वो करती है, तो उसमें जो है पीड़कों का जो है प्रकोप होता है और फसलें बर्बाद होने लगती है। उससे बचाने के लिए वो जो है पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर भी फसल खराब हो जाती है और वो अगले साल फिर अच्छी फसल पाने के लिए फिर वो लोन लेती है मनी लेंडर से, लेकिन वो फसल जो है नॉर्मल होता है। इस केस में यहाँ हम देखते हैं कि उसको पैसा चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना भी पड़ता है। तो यहाँ ये देखा ये जाता है कि कभी कभी जो है जो रूरल एरियाज में फार्मर को जो है अपने सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसे की जरूरत होती है, और इसको पूरा करते करते कभी वो गाँव के जो साहूकार होते हैं उससे जो पैसे उधार लेते हैं वो चुका नहीं पाते हैं। तो इस तरह की वो कर्ज के बोझ के तले दबते चले जाते हैं और या उलझ जाते हैं, जिससे हम लोग जो है ना क्रॉप यहाँ डेब्ट ट्रैप के नाम से जानते हैं। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर। इन अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेल्योर क्रेडिट पुशेज द पर्सन इन टू ए डेट ट्रैप। टू रिपे हर लोन सी हैज टू सेल ए पोर्शन ऑफ हर लैंड। अपना जमीन बेच करके उसको चुकाना पड़ता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट। Collateral is an asset that the borrower owns, such as land, building, baggage, livestock, deposit with bank and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. यहाँ मैं देख रहा हूँ इसमें क्रेडिट के कुछ टर्म्स होते हैं। एक है collateral. Collateral means क्या होता है
अगर आप बैंक से लें या किसी मनी लेंडर से कर्ज लें तो वो आपको गारंटी के तौर पर कुछ आपसे मांग करता है ताकि भविष्य में वो सुरक्षित रहे कि उसके पैसे उसे मिल जाएंगे। तो वो आपसे लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक या इसकी जो है आप डॉक्यूमेंट जो है आपसे मांगते हैं और वो अपने पास सुरक्षित रखते हैं। अगर आप इसको चुकाने में अगर असमर्थ हो गए तो उस केस में क्या होता है कि वो उसको बेच कर कर करके अपने पैसे प्राप्त कर सकता है, ये उसको एक तरह से राइट मिल जाता है। ए हाउस लोन, मेगा हैज टेकन ए लोन ऑफ रिस 5 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज ए हाउस। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 12% एंड द लोन इज टू बी रिपेड इन 10 ईयर्स इन मंथली इंस्टॉलमेंट। मेगा हैज टू सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एंड सैलरी बिफोर द बैंक एग्रीड टू गिव हर द लोन। यहाँ मेघा के केस में क्या देख रहे हैं कि मेघा एक गवर्नमेंट जॉब करती है और उसको 5 लाख रुपए की जरूरत है मकान के लिए, तो उसको बैंक उसको 12% ईयरली लोन पे उसकी लोन पास कर देती है और वो 10 साल के लिए लोन पास करती है और उसको मंथली इंस्टॉलमेंट में ये पैसे चुकाने हैं। उसके लिए क्वालिटी पेपर पे उसका जो सैलरी रिकॉर्ड है, उसका जो बैंक अकाउंट रिकॉर्ड है, वो उससे मांगा जाता है। तो इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एंड द मोड ऑफ रिपेमेंट। तो हम समझते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल और डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, तभी ये जो बैंक अपना वर्क करता है। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, यहाँ हम अरेंजमेंट की बात करेंगे। श्यामल का एक केस है। श्यामल टेल्स अस दैट एवरी सीजन ही नीड्स लोन फॉर क्वालिटी बेटर। यहाँ श्यामल के केस में ये देखा जाता है कि श्यामल जो है उसके पास 15 एकड़ लैंड है और वो गांव के मनी लेंडर से जो कर्ज लेता है वो अपने सीड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए या मैन्योरिंग के लिए उसको 5% देने पड़ते हैं, यानी ईयर की 60%। लेकिन अब वो किसी दूसरे जो है एग्रीकल्चर फार्मर से वो पैसे ले रहा है जो 3% उसे दे रहा है। लेकिन वो कहता है कि जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी तो फसल उसके हाथों ही बेचना होगा। जिस समय फसल की कटाई होती है उस समय उसकी कीमत कम होती है और वो जब उसके रेट बढ़ते हैं तो वो उसको ऊंची दरों में बेच पाता है। इस तरीके से जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो काफी मुनाफे में रहते हैं। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव बिसाइड बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव पूल देयर रीजंस रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरिया। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव पॉसिबल सच एज फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, बेवर्स कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव ईटीसी। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन इन ए विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। इट हैज 2300 फार्मर्स एज मेंबर्स। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट मेंबर विथ दिस डिपॉजिट एज कोलेट्रल। द कोऑपरेटिव हैज ऑब्टेन्ड ए लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। These funds are used to provide loans to members. Once these loans are repaid, another round of lending can take place. Krishak Cooperative provided loans for the purchase of agriculture implement, loans for cultivation and agricultural trade, fishery loans, loans for construction of houses and for a variety of other expenses. ग्रामीण इलाकों में देखते हैं कि बैंक जो है कोलेट्रल जो मांगता है तो सबके पास बैंक से लोन ले पाना आसान नहीं होता है। तो गांव में देखा जाता है कुछ लोग अपना एक जो है कोऑपरेटिव बनाते हैं, जैसे कि जो है शुगर केन के जो उत्पादक होते हैं, गन्ने के उत्पादक हो जाते हैं, जो बेवर्स होते हैं, ये अपना एक ग्रुप बनाते हैं। ये ग्रुप जो है अपने पैसे को जो है ना, जो उनकी बचत पैसे होते हैं उनको जमा करते हैं और उसको सिक्योरिटी मनी के तौर पर बैंक में रखते हैं और बैंक से वो अच्छा लोन ले लेते हैं और उस लोन से अपना बिजनेस करते हैं। और उसमें होता है क्या, किस कोऑपरेटिव के मेंबर को किसी को भी पैसे जरूरत होती है तो वो कोऑपरेटिव ही उसे वो लोन देती है और कोऑपरेटिव के मेंबर उस पैसे को चुका देते हैं तो ये उनकी गारंटी होती है, उनका अच्छा क्रेडिट बनता है और अगली बार उनको आसानी से पैसे मिल जाते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि कोऑपरेटिव सिस्टम होने से जो गाँव में जो है डेप ट्रैप होते हैं, मनी लेंडर से पैसे लेकर के लोग जो फंस जाते हैं, इससे बहुत ज्यादा राहत होती है और इससे रूरल एरिया का काफी डेवलपमेंट भी हुआ है। फार्मर सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया में जो फार्मर सेक्टर है वो आपको बैंक है। वी हैव सीन इन द अबव एग्जांपल दैट पीपल ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी
conventionally groups as formal sector loans and informal sector loans. फॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं? बैंक होते हैं जहां से आप लेते हैं पैसा, उसकी जो है कंट्रोलिंग सिस्टम आरबीआई के पास होती है और उसमें होता है कि उसमें इंटरेस्ट रेट भी कम होते हैं और उसका जो इंस्टॉलमेंट होता है और वो टाइम देता है कि इस टाइम में आपको देना है। लेकिन जो इनफॉर्मल होते हैं उसके इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो आपको फॉर्मल सेक्टर होते हैं उसमें कलेक्टर डॉक्यूमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इनफॉर्मल में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो आपको जान पहचान आपको है, जानते पहचानते हैं तो वो आपको दे देते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट्स व्हाट, तो हम यहां देखते हैं कि हमारे देश में जो है अब ज्यादातर लोग जो है बैंकिंग सिस्टम से ही काम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट poor household are still dependent on informal sources of credit. Why is it so? Banks are not present everywhere in rural India. Even when they are present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal sources. As we saw for mega bank loans require proper document and collateral. Absence of collateral is one of the major reasons which prevent the poor from getting banks loans. Informal tenders such as money lender on the other hand, now the borrowers personally and hence are often willing to give a loan without collateral. The borrowers can if necessary approach the money lender even without repaying their earlier loans. However, the money lender charge very high rate of interest, keep no record of the transaction and harasses the poor borrowers. हम यहाँ ये देखते हैं कि ये जो गांव में होते हैं बैंक भी नहीं होते हैं और वहां जो है लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने मनी लेंडर से पैसे लेने के अलावा, तो वहां कुछ लोगों ने 15-20 लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप का नाम दिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसमें जो उनके अपने सेविंग्स होते हैं यानी पर फैमिली 25 रुपीज मिनिमम से लेकर 100 तक जो पैसे बचाते हैं उससे उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है और ये ग्रुप जो है पैसे जब बहुत सारे हो जाते हैं तो बैंक से वो एक सिक्योरिटी मनी जमा कर करके वो ज्यादा लोन ले लेते हैं और उससे वो अपना काम करते हैं, जो अपना जो होम वर्क होता है जैसे कि टेलरिंग का काम करते हैं, कुछ लोग कैंडल्स बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग जो है पिकर्स बनाने का, और ये सब जो पैसे आते हैं उस पैसे से वो बैंक का कर्ज आसानी से चुका देते हैं। तो पहले ये कहा जाता है कि पुअर पीपल्स जो हैं वुमेन्स कर्ज चुकाने में असमर्थ है, लेकिन उसने ये दिखा दिया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उसने जो है बैंक से पैसा लेकर करके बैंक का कर्ज भी चुकाया है और उसने अपना डेवलपमेंट भी किया, देश के डेवलपमेंट में भी अपना काफी कंट्रीब्यूशन दिया। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड एट रीजनेबल रेट, स्टार्टेड इन द 1970s एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट। ये जो बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक है उसमें ये देखते हैं 1970 के दशक में एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। ग्रामीण बैंक इन अक्टूबर 2014 हैज अवर 8.63 मिलियन मेंबर्स, 2014 के अक्टूबर तक इसमें 8.63 मिलियन मेंबर हो गए हैं, जो 81,319 विलेज इसमें मिले हुए हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वुमेन एंड बिलोंग टू पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं जो काफी गरीब हैं। दिस बोरोवर्स हैव प्रूव दैट नॉट ओनली द पुअर वुमेन रिलायबल बोरोवर्स बट दे कैन स्टार्ट एंड रन ए वैरायटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। महिलाओं ने ये दिखा दिया कि वो विश्वासी भी हैं और वो जो है सो अब छोटे छोटे काम करके देश की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकती है। इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपुल ऑन टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर एप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल, दिस मिलियंस ऑफ स्मॉल पीपुल विद देयर मिलियंस ऑफ स्मॉल परस्यूट कैन एड अप टू क्रिएट द बिगेस्ट डेवलपमेंट वंडर। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जिन्हें ग्रामीण बैंक के फाउंडर थे उनको 2006 में नोबेल प्राइज दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर गरीबों को एक उचित दर से अगर उनको अगर पैसे उपलब्ध कराया गया, उनको कर्ज दिए गए, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में मिलकर के काफी देश का विकास कर सकते हैं और वो तरक्की में अपना काफी ज्यादा योगदान दे सकते हैं। थैंक यू।